स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की प्रक्रिया को तीन भागों में बांटा गया था। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि ड्यूरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने किन किन बातों का ख्याल रखना है और कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ टिप्स भी मैं डिस्कस करूंगा जो आपके टाइम और एनर्जी को बचा सके और आपका हौसला बढ़ा सके। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सेकेंड फेज ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग वाला फेज चल रहा है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने पीछे लर्न किए हैं, अब उनका प्रयोग करना है। उनमें से सबसे जरूरी है F9 का प्रयोग। जब भी आपको लगता है कि आप पॉज लेना चाहते हैं, जहां कोई गलती हो रही है, जहां फ्यू फर्दर प्लानिंग करनी है कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, तो F9 का प्रयोग करें। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आप फ्रिक्वेंटली बार बार F9 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप पॉज करते हो आपको प्लानिंग के लिए, सोचने के लिए वक्त मिल जाता है। एरर को मिनिमाइज करने के लिए F9 बहुत जरूरी है। जो एरर जनरली हम करते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान, नेक्स्ट पेज पर वो मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड इसका पॉइंट है कि आपने कंट्रोल शिफ्ट डी का यूज कैसे करना है। कंट्रोल शिफ्ट डी दबाने के बाद आपके सामने ये जो आप टास्क बार के ऊपर ये पेन स्क्रीन ड्रा देख रहे हो, ये सामने आ जाएगा इफेक्ट के नीचे। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसमें चार ऑप्शन आपको दिखाई देंगी, ये एरो 1, एरो 2, एरो 3, एरो 4। तो ये आपने पहले से प्लान कर लेना है कि आप इनमें से कौन कौन सी ऑप्शन स्क्रीन पर ड्रा करने के लिए प्रयोग करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, हर एरो में ये तीन ऑप्शन है, आप टूल में जाओ और उसमें 6 ऑप्शन है, पेन, एरो, लाइन, एलिप्स, फ्रेम, हाईलाइट। आप 6 के 6 एक साथ यूज नहीं कर सकते। आपको चूज करना है कि इन 6 में से 4 कौन से मेरे लिए सूटेबल हैं। फॉर एग्जांपल, पहले में मैंने पेन टूल में जाके पेन को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ कलर मैंने ये रेड सेलेक्ट कर लिया है और इसकी विड्थ जहाँ मैंने 4 रखी है, तो पहले ब्लॉक में मेरे पास पेन की ऑप्शन रेडी रहेगी। सेकंड में जाके, टूल में जाके, फिर वही 6 की 6 ऑप्शन है, यहाँ मैंने पेन पहले सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब मैं फ्रेम को रेडी करना, मुझे लगता है कि फ्रेम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ आके कलर को, कलर पहले रेड था, अब ब्लू सिलेक्ट कर लिया है और विड्थ मैंने फिर 4 की सिलेक्ट यहाँ की है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि नेक्स्ट ऑप्शन में मैं क्या रखूँ, मैं पेन रख लिया है, फ्रेम रख लिया है और इसमें मैं हाइलाइटर यूज़ करने के लिए रख रहा हूँ। हाइलाइटर को क्लिक कर लिया है और इसमें से कलर मैंने क्यान कलर रख लिया है। तो 4th ऑप्शन मेरे पास टूल में जाके वही 6 ऑप्शन हैं, उसमें से पेन में सेलेक्ट कर चुका हूँ, फ्रेम सेलेक्ट कर चुका हूँ, हाईलाइट सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब मैंने देखना है कि मैं और क्या यूज़ कर सकता हूँ, लाइन, एलिप्स एंड एरो। तो एलिप्स जो सर्कल होगा, जैसे ये रेक्टेंगल है वो सर्कल होगा, इन दोनों में से एक चीज़ यूज होती है। और लाइन का प्रयोग मेरे लिए मुझे कम लगता है, तो मैंने एरो को सिलेक्ट किया है। यहाँ कलर मैंने कर लिया मैजेंटा और विड्थ मैंने रख ली इसकी 8, आपको सिर्फ शो करने के लिए कि इतनी विड्थ से कैसे एरो दिखाई देता है। अब मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, ये पेन है, ये रेक्टेंगल है, हाइलाइटर है और अब इनका प्रयोग कैसे करना है। आपने यहाँ पेन पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल, पेन को आप अंडरलाइन करने के लिए या इसको सर्कल करने के लिए यूज़ कर रहे हो, जहाँ कुछ आप लिखना चाहते हो, आप आए, बाहर आई, ओके। ये मैं क्लास में बहुत बोलता था इसलिए बोला गया। चलो तो आप रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने F9 को फोकस करना है, ये रहा F9 फोकस हो गया। यहाँ क्लिक करके आप हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ फर्दर प्लान,
तो जहाँ प्लान को, ये हो गया प्लान, और मैं सेकंड करना चाहता हूँ कि एरर्स। ओके, तो ये हाईलाइट यूज़ हो गया। एरो का यूज़ किसी वर्ड को या किसी ऑब्जेक्ट या उसके पार्ट को इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एरो को क्लिक किया और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चार ऑप्शन हैं, नंबर एक ये, नंबर दो, नंबर तीन और नंबर चार। अब ये देखना है कि तीनों का प्रयोग क्या आपको फैसिलिटेट करेगा या रुकावट डालेगा। मेरे अनुसार ये रेक्टेंगल मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा, दूसरे नंबर पर हाइलाइटर और तीसरे नंबर पर एरो, और पेन का प्रयोग इस पर वेरी डिफ़िकल्ट। कुछ भी लिखना है तो माउस के साथ, सॉरी, कुछ भी आपने लिखना है तो लिखना माउस के साथ बहुत ही डिफ़िकल्ट है, स्लो प्रोसेस है, और शब्द की जो आप लिख रहे हो उसकी स्ट्रक्चर जो है बिगड़ जाती है। आप देख सकते हो कि स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट में ये फॉन्ट कितने सुंदर लगते हैं, जब हाथ से आप लिखते हो, इस पेन से लिख रहे हो, तो उसकी बनावट कैसे होगी। अच्छा, एक बात नोट करने लायक है कि अब ये टास्क बार क्यों नहीं हट रहा, जब भी मैंने आपके सामने सारा यूज़ किया है, रिकॉर्डिंग में ये हाजिर है। ये कैसे हुआ, जो पहले मैं बता चुका हूँ, आप रिकॉर्डेड इनपुट्स में जाके एंटर करेंगे टूल्स ऑप्शन में, उसमें एंटर करेंगे प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में सबसे नीचे मिनिमाइज में, मिनिमाइज में मैंने ऑप्ट कर लिया नेवर। तो ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये नेवर, अब जब तक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये रिमूव यहाँ से नहीं होगा। तो इस तरह आप इसका ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, पर जनरली इसका प्रयोग आप नहीं करोगे, ये मेरा सुजेशन है। ये इसलिए था कि मैंने टास्क बार की प्रेजेंस का प्रयोग आपको बताना था स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। अब मैं यहाँ से निकलूँगा, अब इस पेन को स्क्रीन ड्रा को प्रेस करूँगा, प्रेस करने से सारा जो मैंने ड्राइंग थी वो साफ हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं एंटर करूँगा। 14th पॉइंट है इम्पॉर्टेंट एरर्स, जो आप करते हैं उनका ख्याल रखना है। मैंने वो एरर की कलेक्शन की है जो मैं करता था, उनकी लिस्ट बनाई है। सेकंड फेज में ये सेकंड पॉइंट है, टोटल ये 14th पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट एरर जो मैंने की अपनी रिकॉर्डिंग के दौरान। पहली एरर है रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, जो बोल रहे हो उनमें से किसी शब्द का उच्चारण गलत हो रहा है, जहाँ वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। आप इसी वीडियो में देख सकते हो कि मैंने हिंदी के कितने शब्दों का गलत उच्चारण किया है। दूसरे यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे कितना स्टैंडर्डाइज और उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी गति जो बोलने की है, कितनी अच्छी है। आपने वर्ड की प्रोनाउंसिएशन उनसे सीखनी है। मैं तो खुद अभी लर्नर हूँ। सेकेंड गलती जो मेरे से हुई रिकॉर्डिंग के दौरान, जब मैंने प्रैक्टिस की, तो रॉन्ग सेंटेंस मेकिंग। दो बातें हैं, सेंटेंस दो तरह से रॉन्ग हो सकते हैं, फर्स्ट ग्रामेटिकल, सेकंड मीनिंग। ग्रामेटिकल एरर की चिंता मत कीजिए, अगर आपके सेंटेंस में ऐसी गड़बड़ हो गई कि गलत मीनिंग कन्वे हो गया। गलत मीनिंग का क्या मतलब है, कि जो मीनिंग आप कन्वे करना चाहते थे वो मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा और कोई मीनिंग कन्वे हो गया, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड है कि वही गलती वर्ड लेवल पर, शब्द लेवल पर हुई है। कोई ऐसा शब्द आपने यूज कर लिया कि उसका मीनिंग जो आप चाहते थे वो कन्वे नहीं हुआ, तो ये भी बड़ी गलती होगी आपके कम्युनिकेशन में। फोर्थ पॉइंट है लॉन्ग पॉज। लॉन्ग पॉज को भी मैं दो तरह डिवाइड करता हूँ। एक पॉज मीनिंगफुल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पॉज में कोई वीडियो या कोई पिक्चर आप देखने को कहा है, 5-7 सेकंड रुकना पड़ा है, वो मीनिंगफुल है। अगर पॉज मीनिंगलेस है, कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है, तो वो गलती साबित। फोर्थ एरर जो मेरी बहुत ज्यादा होती है, कोई वॉवल को लटका देना, लंबा कर देना, जैसे तो ऐसी जो वॉवल हैं वो तब निकलते हैं जब कोई थिंकर सोच रहा होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार ये
प्राइवेट स्पीच का एक पार्ट है जो आपकी थिंकिंग के लिए हेल्प, सोच के लिए हेल्प कर रहा है, लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग में ये मीनिंग नहीं चलेगा। ये मेरा ऐसा लंबा लंबा वॉवल बोलना गलती ही मानी जाएगी, क्योंकि जिन्होंने वीडियो को ऑब्जर्व करना है उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। वो शॉर्ट से शॉर्ट और मीनिंगफुल, अपने से रेलेवेंट, नीड बेस्ड वो बात सुनना चाह। इन गलतियों को मैंने दो वर्ग में बांटा है, फर्स्ट रेड कलर वाली और सेकंड फोर्थ और फिफ्थ ग्रीन कलर वाली। रेड इसलिए कलर किया गया है कि इनको एडिट करना बहुत डिफिकल्ट है, जबकि ग्रीन वाली लॉन्ग पॉज और वॉवल्स वाली वो एडिट करना इजी है, क्योंकि लॉन्ग पॉज और वॉवल में आपने डिलीट करना है, उसको कट करना है। कैमटेशिया में इजीली वो कट हो जाता है, लेकिन एक शब्द की जगह दूसरे शब्द को रखना, एक सेंटेंस की जगह दूसरे सेंटेंस को रीफ्रेम करके रखना, एक प्रोनाउंसिएशन को दोबारा रिकॉर्ड करके फिर रखना, ये टाइम कंज्यूमिंग है। सो इस मेरे एक्सपीरियंस से आप ये सीख सकते हो कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड की अच्छी तरह रिहर्सल करके ही रिकॉर्डिंग करनी है। अपनी रिकॉर्डिंग को इम्प्रूव करने के लिए 6 पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ, जो 15th पॉइंट के सब पॉइंट हैं। इनमें आप सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है फील फ्री। फील फ्री मीन के आपके मन पर कोई भी बोझ नहीं होना चाहिए, डर नहीं होनी चाहिए, कि चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरा वीडियो गलत हो जाएगा, मैं गलती कर दूंगा, जो ऊपर हम गलतियां करके डिस्कस करके आए हैं। अच्छा, आपने फ्री होना कैसे है? आपने इस बात को अपने मन में बिठा लेना है कि एवरी एरर इज एडिटेबल। एडिटिंग जब पॉसिबल है, जब बीमारी का इलाज है, तो डर नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी का थोड़ा लंबा इलाज है, ऊपर डिस्कस करके आए हैं, किसी का इलाज छोटा है। जो लंबे वाला इलाज वाले है, वो प्रैक्टिस से आप एरर को कम कर सकते हो। तीसरा, फील फ्री क्यों रहना है? क्योंकि F9 आपके पास है। जब भी आपको लगे गलती हो रही है, आगे की प्लानिंग नहीं है, आगे क्या बोलना है मेरे पास नहीं है, F9 प्रेस कर दीजिए, सोच लीजिए। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ये यूज पॉज फॉर फर्दर प्लानिंग। ओके, थर्ड पॉइंट इम्प्रूवमेंट का है फीडबैक। फीडबैक क्या है? आपकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। दो तरह से आप ले सकते हो, एक तो किसी और व्यक्ति से जो आपके करीब है, उसको वीडियो दिखा के आप पूछ सकते हो। दो बातें सिर्फ पूछनी है, इसमें क्या गलत है, अच्छा नहीं लगता, वीकनेसेस क्या है, दूसरा इसमें क्या अच्छा है, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या क्या आपको अच्छा लगा। दोनों बातें पूछनी इसलिए जरूरी है, जब वो ये बताएगा कि ये अच्छा है, तो वो आपको मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा, और आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव आपने क्यों पूछना है? कि जिन पर आपने फोकस करके एरर को रिमूव करना है, रिड्यूस। अब फीडबैक के बेस पर आप क्या करोगे? एरर को रिड्यूस करने की प्रैक्टिस करोगे। आप देख रहे हो कि इस वक्त मैंने जानबूझ के ऑप्शन रेक्टेंगल भी यूज की है, हाइलाइटर भी यूज किया है, और पेन भी यूज किया है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये यूज करना कितना फैसिलिटेट करता है, जहां कोई रुकावट तो नहीं आती, जहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। फिफ्थ सब पॉइंट है कि आपने रिकॉर्डिंग का टाइम कौन सा सोचना है, जब आप फील क्या कर रहे हो, फ्रेश फील कर रहे हो, थके हुए नहीं हो, मूड खराब नहीं है, बाहर के एनवायरनमेंट का आप पर कम से कम प्रभाव, अदरवाइज वो फटीग, वो थकावट आपकी रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई देगी। जब आप उसको देखोगे, फीडबैक लोगे, आप खुद डिस्करेज हो जाओ। सिक्स्थ पॉइंट है कि आप जब मोटिवेटेड हो, यहां मैंने हाईली मोटिवेटेड लिखा है, लेकिन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं मोटिवेटेड हो कि मैंने वीडियो बनाना है, आज कंप्लीट करना है, तब वीडियो बनाओ, आपकी एरर कम होगी। एक सेवंथ पॉइंट है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो ये है कि गैप कम से कम चाहिए आपकी रिकॉर्डिंग में। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस की है, तो उसके हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 5 दिन बाद आप कर रहे हो, तो ये 5, 7, 10 दिन का गैप जो है आपकी मेमोरी की में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको रिड्यूस कर देगा, जिससे इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। मेरी सलाह यही है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है
कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक दिन में सारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लो, एडिटिंग वर्क उसके बाद जब भी मर्जी कर लो। अगर एक दिन में नहीं होती तो गैप नहीं पड़ना चाहिए, नेक्स्ट डे ही आपको उस रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करना है। जब आपको लगता है कि आपने अपने रिकॉर्डिंग का एंड करना है, जहां आपकी लंबी रिकॉर्डिंग है उसको आपने 1, 2, 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है और उस पार्ट का एंड करना है, आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि पार्ट बाद में एडिटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। तो एंड करने के लिए आप यहाँ स्टॉप भी है और एक बड़ा प्यारा सा बटन है 10, आप F10 को प्रेस करोगे। F10 के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। इस बार पर आप यहाँ हमारे लिए 3 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट है सेव एंड एडिट। अगर आप फाइल को सेव करके एडिट करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कीजिए। अगर आप सिर्फ सेव करना चाहते हो, प्रोड्यूस करना चाहते हो तो यहाँ प्रोड्यूस लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिए। अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग से सेटिस्फाई नहीं है, डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हो। मैं अपने रिकॉर्डिंग को सेव और एडिट करना चाहता था तो कैमटेशिया में रिकॉर्ड करने के लिए मैंने सेव एंड एडिट प्रेस किया था। उसके बाद ये ऑप्शन आपके सामने आ जाती है। इसमें है कि आपने वो फाइल को किस लोकेशन पर रिकॉर्ड करना है वो आप चूज कर लीजिए। डेस्कटॉप पर है, जहाँ डी ड्राइव में है, जहाँ कहीं और है। तो दूसरा है कि उसका नाम आपने क्या रखना है। वो नेचुरली आप जैसे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग Part 1, Part 2 ऐसे नाम रख लेते हैं। उसके बाद आप सेव पर क्लिक करते हैं। फाइल सेव होने के बाद आपको एडिटिंग डायमेंशन की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ एरो पर आप क्लिक करोगे, ये ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगी जिनमें से आपने एक को चूज करना है। मेरा सुजेशन, जहाँ जिनसे मैंने गाइडेंस ली है, उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग डायमेंशन को प्रेफर करने के लिए कहा है, तो मैंने यहाँ इसको क्लिक कर दिया। फाइल सेव होने के बाद कैमटेशिया स्टूडियो खुद ब खुद खुल जाएगा। ये कैमटेशिया स्टूडियो है, ये देखिए ये कैमटेशिया स्टूडियो, और यहाँ पर ये जो फाइल आपने रिकॉर्ड की है उसकी कॉपी इंपोर्ट हो गई है। अगर आपने कोई और फाइल आपके डेस्कटॉप से या किसी और फोल्डर से लोकेशन से यहाँ इंपोर्ट करनी है तो आप इंपोर्ट मीडिया से क्लिक करके वो कर सकते हैं। कैमटेशिया स्टूडियो में हमने वीडियो एडिटिंग का काम करना है। वीडियो एडिटिंग में हम वीडियो ऑडियो के कंटेंट को इवेल्युएट करते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। काम हम लर्न करना सीखेंगे आफ्टर रिकॉर्डिंग फेज में, थर्ड फेज में, थर्ड पार्ट ऑफ स्टेप्स एंड टिप्स आफ्टर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। हियर इज द एंड ऑफ सेकेंड पार्ट, दैट इज स्टेप्स एंड टिप्स ड्यूरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग। थैंक यू।